एक्सपोजर चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं खुद ग्रेजुएट कर चुका हूँ और खुद अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, उसके एक वफ्द को बुलाते हैं ताकि वो आकर यहाँ हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और मैं फालवन यूनिवर्सिटी जो है, जो हमारा यूनिवर्सिटी है, उसके दरमियान हम MOU साइन करेंगे। बल्कि किया है हमने कि बलूचिस्तान के बच्चे हैं उनको या बच्चियों को हम थाईलैंड भेजें उसी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। ये डिसाइड किया कि जो हमारे थाई गवर्नमेंट के थाई काउंसिल जनरल हैं, जो कि बलूचिस्तान और सिंध के सूबे को देखते हैं, उनका जो डोमेन है उनको भी हमने मदद किया, क्योंकि ये इनका पहला दफ़ा मरतबा है कि ये क्वेटा आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका अच्छी तरीके से इस्तकबाल भी करें जाते हुए बिना झिझक ये सवाल करें और उनको दिखाएं कि बलूचिस्तान में लोग बच्चे बच्चियां हमारे पढ़ना चाहते हैं और हमें इनकी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत दूर से आकर हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया और हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अभी तो हमारा पहला फेज है, इनके पास 20 स्कॉलरशिप्स हैं, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मखसूस बलूचिस्तान के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया, उन्होंने 4 स्कॉलरशिप्स दिए MA लेवल के लिए, PhD लेवल के लिए, और मैंने और सेक्रेटरी साहब ने ये डिसाइड किया है कि उन 4 स्कॉलरशिप्स में, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और बच्चियाँ भी पढ़ना चाहते हैं, तो 2 बच्चे होंगे और 2 बच्चे होंगे। और आखिर में ये हम जो हमारी टीम है, हम ये उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहां जाएं और वहां पढ़कर ग्रेजुएट होकर वापस अपने सूबा लौटें और अपने सूबे में पॉजिटिव सूबे बनाने में, मुल्क बनाने में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। आखिर में एक और इनका प्रोग्राम है जो कि हमारे प्रोफेसर्स के लिए है, जो कि विजिटिंग स्कॉलर्स के नाम से इन्होंने इनिशिएट किया है। विजिटिंग स्कॉलर्स में ये है कि वो इंटरनेशनलाइज होना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी है, और वो मुख्तलिफ ममालिक के प्रोफेसर्स को बुलाना चाहते हैं कि वहाँ आएँ, लेक्चर्स वगैरह दें और उनके खर्चे पर 1 महीना रहें, 2 महीना रहें। तो इंशाल्लाह ये हमारे प्रोफेसर्स के लिए, हमारे स्कॉलर्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है।